हमारे यहाँ तो आपको चैन से खाने को भी नहीं मिलेगा। पता नहीं अब खाने का टाइम भी इसको याद आता है कि अब मुझे मैं भी हूँ, मतलब खाने के लिए नहीं, इसको सोने के लिए, क्योंकि हर सिचुएशन में इसको सोना है, चाहे आप खाना खा रहे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो। अब देखो ये कैसे मार रहा है मेरे को चोंच से, ताकि ये बोल रहा है कि मेरे को कवर करो, मेरे को सोना है अभी, और ऐसे फील करवाओ कि मैं इसको गले लगाई हूँ ताकि ये सो पाए ठीक से। अब इसको ऐसे में भी पसंद नहीं आएगा, पता नहीं क्या ही चल रहा है इसका। अब जब ये सोएगा तब ना मैं खाऊंगी। अब मैं सोची कि ठीक है उसको और पास लेके आते हैं, तब भी ये सोएगा नहीं, पता नहीं अब कब नसीब होगा। बहुत टाइम लगता है इसको सुलाने में, ये कंफर्टेबल नहीं हुआ फिर ये हाथ में रखे बैठेगा, और हाथ में बैठने के बाद फिर ये सोएगा। इसको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, इसको कंफर्टेबल जब फील होगा तब वो करेगा। अब वो मेरे को फिर चोंच से मार रहा था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको गोदी में नहीं क्यों, अभी ये सोएगा उसके बाद खाना को मिलेगा। रात के टाइम में भी ऐसे होता है, यहाँ पे वो सोएगा, क्योंकि ये हम लोग साथ में सोते हैं ना, हम लोग ऐसे आदत कर रखी है कि ये मेरे साथ ही सोएगा, और मेरे साथ मतलब इसको ढक के रखना पड़ेगा ताकि इसको ऐसा लगे कि मैं उसके ऊपर हूँ ऐसे। तो इसीलिए मेरा जुगाड़ू देख रहे हो ना आप लोग, ऐसे ही जुगाड़ करती हूँ मैं इसको, और अभी सुलाएँगे इसको, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्टडी भी करना है रात के बाद थोड़ा सा, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहा ना, तो इसीलिए। अब देखो एक को सुलाओगे तो दूसरा शुरू हो जाता है, इसको इतना तेल मालिश करो उसके बाद फिर ये सोएगा, नहीं तो नहीं सोएगा। कितना मुश्किल से सोया है, अब फिर भी बीच बीच में उठ जाएगा तब भी सुलाओ इसको, कितना मेहनत लगता है। अब इसको मैं थोड़ा सा ढक देती हूँ, कितना मुश्किल से सो रहा है, सोने दो। अब एक सो जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। अब मैं स्टडी कर रही थी, इसके बीच में ये आ गया, क्या करूँ मैं इनका, ये लोग कभी चैन से पढ़ने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे, कुछ नहीं करने देंगे। अब एक जब मैं खा रही थी तब डिस्टर्ब कर रहा था, अभी मैं पढ़ रही हूँ तो अब डिस्टर्ब कर रहा है। इसको भी चाहिए कंपनी, मुझे भी यहाँ पे सोना है, मुझे थोड़ा मौका दो, समझ रहे हो ना आप लोग, क्या क्या बोलूँ मैं, आदत ही ऐसे हो गया है इनका। अब हर सिचुएशन में इनको टांग अड़ाना है, टांग क्या पूरी की पूरी अड़ाना है तो इसीलिए अभी मैं कोशिश कर रही हूँ इसको कि बहलाने की, कि हाँ बेटा अभी सो जाओ तुम, अभी मेरे को थोड़ा सा स्टडी करना है। पूरा कॉपी के ऊपर मैं सो गया, क्या करूँ मैं इनका। ठीक है, एक को सुलाने की कोशिश करते हुए तो दूसरा जाग गया, क्योंकि इसको जेलसी फील हो रहा है कि हाँ तुम इसको इतना प्यार क्यों कर रहे हो, मुझे भी, मैं भी हूँ। अरे मैं अभी तो जस्ट तुमको सिला के आई थी, फिर अभी उठ के क्या मिलेगा तुमको। हाँ अब फिर इसको तेल मालिश करो कि हाँ भैया आओ यहाँ पे और थोड़ा सा सो जाओ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पढ़ने दो, मौका नहीं मिलेगा क्या मेरे को पढ़ने का। लेकिन नहीं, इनको अपना ही करना है। ये मेरे पास आ रहा था क्योंकि ये मेरे ऊपर चढ़ेगा, ऐसा नहीं सोएगा। देख रहे हो कैसे देख रहा है गुस्से से कि हाँ मैं तो तुमको नहीं छोड़ूंगा, दूसरे को प्यार करोगे मुझे नहीं करोगे। हाँ मैंने पहले तो दे दिया था ना प्यार, अब कितना, अब ये गुस्से से मार रहा है मेरे को चोंच से, क्योंकि ये चोंच के अलावा कुछ नहीं कर सकता बेचारा। ठीक है कोई बात नहीं, तो इसको भी सिला देते हैं, फिर अपना ताम झाम जो है उसको करेंगे। अरे यार कितना मेहनत लगता है, अरे बाबा इनको। चलो बेटा सो जाओ, अभी अभी रुको, इसको थोड़ा सा सोने की कोशिश करते हुए। ठीक है, तब तक आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। आखिरकार सोने की कोशिश करवाते हुए ये थोड़ा सा सो गया, और आप लोग भी सो जाओ अभी फ़िलहाल के लिए। गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम।